तो फिर में कुछ हमने बड़ी ख़बर आई है जनाब और ख़बर बड़ी ख़तरनाक किस्म की है क्योंकि इस तरह की इतरात मिल रही है कि नवाज शरीफ के ऊपर लंदन के अंदर कातलाना हमला किया गया है और इस हमले के बाद राना सनाउल्ला साहब को आधी रात को तकरीबन कोई साढ़े बारह बजे के करीब एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और नवाज शरीफ पर हमला जो है इन दोनों का बुनियादी ताल्लुक जाकर कहीं ना कहीं इमरान खान साहब से मिलता है और फिर ये तासुर मिल रहा है कि जनाब ये तमाम वाक़ात में जो इसके मास्टरमाइंड माइंड हैं वो इमरान खान के अलावा कुछ नहीं सिचुएशन के अंदर ये सवाल तो उठता ही है कि जनाब एक जानब तो जो पाकिस्तान है वो इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा ही क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन वहाँ पर डिवेल्प होती चली जा रही है और दूसरी जानब लंदन के अंदर जो जनाब नवाज शरीफ साहब हैं उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इसके साथ साथ जो राना सनाउल्ला साहब है उनके लिए दोनों जगह पर मुश्किल क्रिएट हो रही हैं तो ये अब कहानी बन क्या रही है और अगर इस कहानी में जो भी चीजें हैं उनका जायजा लेना है तो फिर हमें सबसे पहले जंप इन करना पड़ेगा आधी रात को कि जनाब ये आधी रात को आखिरकार इतनी कौन सी हंगामी सिचुएशन बन गई थी ऐसी कैसी अत पै गई सी ऐसा ऐसा कौन सा भूचाल आ गया था कि जनाब राना सना साहब को उठ के बैठना पड़ा सुते पहु अगलिया ने जगाया और उठ उठा कर उन्होंने कहा कि जनाब उठो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और लोगों को बताओ और हैरान कन बात यह है कि जो खबर राना सनाउल्ला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देना चाह रहे थे आ, तो ये जो दोनों ख़बरें मैंने आपको बताई यानी इमरान ख़ान सॉरी नवाज शरीफ साहब पर हमला और इमरान खान की नई चाल ये उससे पहले ही सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश थी लिहाजा इन दोनों चीज़ों को हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते और राना असना साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ, उस प्रोपिगेंडे का जो आ, जो पीटीआई के आ, जो ऑफिशियल यूट्यूबर्स हैं जो आ, उनकी सोशल मीडिया टीम्स हैं जिसका इजहार कर रहे थे उसकी उन्होंने तस्दीक की और राना सन्नाउल्ला साहब ने इस बात का इनकशाफ़ किया कि कानून नाफिस करने वाले इदारों ने एक ऐसी टेलीफोन कॉल को रिकॉर्ड किया है जिसने एक नए जो मंसूबा है यानी एक नए 9 मई की तरफ वो जो ताने बने हैं उस ऑडियो कॉल के मिलते हैं क्योंकि ये तीन नकाती ऑडियो कॉल थी और इसमें पाकिस्तान का जो इमेज नौ मई को अंदरूनी मुल्क जो है वो ख़राब करने की कोशिश की थी पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी फ़ौज के आमने सामने लाने की कोशिश की गई थी और उस वक्त ये कोशिश की गई थी कि जनाब वो फ़ौज जो है वो किसी भी तरीके से गु़स्से में आकर या इन्ज़ाइटी का शिकार होकर अपने ही अवाम के ऊपर गोलियाँ चला दो इमरान खान साहब को लाशें मिल जाएँ और उस लाशों के अगेंस्ट वो अपने लिए एक नया पॉलिटिकल बयानिया तश्कील दे पाएँ बिल्कुल ऐसे ही मंसूबा था जो इस टेलीफोन कॉल के ज़रिए आ रहा था इस टेलीफ़ोन कॉल में जो रिकॉर्ड की गई है और फिर कानून नाफिस करने वाले इदारों ने और ख़ुफिया इदारों ने इस सारी साजिश को नाकाम बनाया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्यूनिटी के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करना है और उसको बदनाम करने के लिए तीन जो पहलू हैं या एक तीन जहती मंसूबा बनाया गया था उसके अंदर जो पहला मंसूबा था वो ये था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लीडिंग रहनुमा हैं उनके घर पे छापा मारा जाएगा और वहाँ पर उस छापा मार टीम जो है वो ख़ुद ही एक फैब्रिकेटेड टीम बनाई जाएगी जो हकीकी मानों में पुलिस नहीं होगी बल्कि वो बलवाई होंगे बल्कि मुमकिन तौर पर वो ऐसे शरपसंद होंगे जिनको इंपोर्ट किया गया था और जिन्होंने ये उन्हीं ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने यहाँ पर 9 मई को वो गुलेलों के अंदर कंचे चलाए थे पेट्रोल बम अपने साथ लेकर आए थे पेट्रोल बमों से उन्होंने कोर कमांडर हाउस को जलाया था ऐसे ही लोगों को वर्दियाँ पहनाकर किसी भी हाई प्रोफाइल पाकिस्तान तरीके साहब के लीडर के घर में घुसा दिया जाएगा और वहाँ पर इस तरह का सीन क्रिएट किया जाएगा कि जनाब वहाँ पर फायरिंग हो जाए और उस फायरिंग के नतीजे में वो लीडर या उसके जो करीबी अजीज़ हैं या वहाँ पर उनके कोई मुलाज़म कोई गार्ड कोई ड्राइवर वो इसमें मारा जाए और अगर आपको याद हो तो 9 मई से पहले ही मुराद सईद साहब वो पंजाबी जी कहते हैं ना पब्बम पार्क उछल उछल के पंजों के बल जो है वो खड़े होकर इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब मुझे मारने की कोशिश की जा रही है मुझे मारने की कोशिश की जा रही है उनका बस नहीं चल रहा था कि वो जो है इस मंसूबे के अंदर किसी न किसी तरीके से कोई रोल प्ले कर दें इसका मतलब ये है कि इस मंसूबे में किसी न किसी जगह पर सच्चाई पाई जाती है क्योंकि बकौल रिजवान रजी रजी दादा दी ग्रेट उनका ये कहना है उनका ये जो मकूला है ये तारीख के अंदर रकम किया जा चुका है कि जिस मामले पर यह तनकीद कर रहे होते हैं ठीक उसी मामले के ऊपर ये बैठ कर जो है वो उसकी मनसूबा सजी कर रहे होते हैं या उसके अंदर वो काम ये ख़ुद कर रहे होते हैं तो रजी साहब की जो ये जो मकूला है ये बिल्कुल ही सही था क्योंकि जो जिस मनसूबे का ये जिक्र कर रहे थे उसी मनसूबे के ऊपर ये अमल दरामद कर रहे थे इसका दूसरा पहलू ये जो मंसूबा मैंने आपके साथ जिक्र किया इस मंसूबे का दूसरा पहलू है किसी ख़ातून लीडर के साथ आ उनकी तरफ से इस बात का ज़िक्र करना कि जनाब मेरे साथ जेल के अंदर या दुरान हिरासत मेरे साथ कोई जिनसी फेल किया गया है और वो ये जो बैरून मुल्क जाएं और बैरून मुल्क जाकर इस बात का इंकशाफ करें कि जनाब मैं जेल में थी मेरे साथ ये जो है फेल किया गया मुझे रेप किया गया और फिर इसकी वीडियो बनाई गई और फिर ये वीडियो दिखाकर अब मुझे जो है वो दबाव में लाया गया मुझे दबाव में लाने के बाद जो है मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और चूँकि उस वक्त मैं शदी तरीन दबाव में थी लिहाजा मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था लेकिन अब मैं एक ऐसे मुल्क में आ गई हूँ जहाँ पर जनाब इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा जो है वो अब 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 उस पर अमल दरामद किया जाता है लिहाजा ये जो सारा एपिसोड मेरे साथ हुआ है मैं इसको बेनकाब करती हूँ यकीनी तौर पर जब उनकी तरफ से ये बात आनी थी आ तो फिर ये जो इमरान ख़ान साहब के ओवरसीज़ लोग हैं इन्होंने इस मामले को उठाना था शहबाज़ गिल साहब ने एक्टिव हो जाना था आदिल राजा ने एक्टिव हो जाना था शहीन साहबाई ने शुरू हो जाना था इरफान आशमी ने शुरू हो जाना था और जो दीगर लोग हैं उन्होंने भी इस सारे बहती गंगा के अंदर उन्होंने भी हाथ धोने थे और ये प्रोपोगेंडे के टूल को बहुत ही ज़्यादा जो है वो शिद्दत के साथ इस्तेमाल किया जाना था और ठीक ऐसी ही बात एक ट्वीट के अंदर की गई है जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और उस ट्वीट के अंदर भी बिल्कुल ये ही बात की गई है जो मैं आपके साथ वहाँ पर उस खातून का जो इनिशियल है नाम का वो भी बताया गया है यानी फे या एफ आप उसको जो मर्ज़ी कह सकते हैं और इसका मतलब यह है कि एक खातून इस सारे मामले में जो मौजूद थी वो शायद पहुंच गई है बाहर या वो पहुंचने वाली है और ये जो मंसूबा है इसको किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और तीसरा तो बड़ा सिंपल सा मंसूबा है लड़ाई मार कुटाई और झगड़े का और उसके उसके लिए भी इसकी एक्सप्लाइटेशन की जाएगी यूरोप के अंदर और अगर आप इस मामले को देखें तो मैंने कल रात को एक वीडियो आपके साथ की थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जनाब ये जो यूरोपियन पार्लीमेंटेरियंस है अमेरिकन पार्लिमेंटेरियंस के बाद अब उनको भी मुतहर किया जा रहा है और मैंने आपको ये भी बताया था कि गोल्ड स्मिथ फैमिली वो मुतहरक हो गई है इसका मतलब ये है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं जो अब आगे बढ़ रही हैं राणा स्नाउल्ला साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मंसूबे का इंकशाफ किया क्योंकि आधी रात गुजरने के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जनाब ये जो चीज़ें चल रही हैं साढ़े घाटे है। लिहाजा हम भी इसको आगे बढ़ाएं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी जिक्र किया और ठीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को भी फैलाया जा रहा था के राना के लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब गाड़ी पर गुजर रहे थे और उनके ऊपर अटैक किया गया उनको जो है मर्डर अटैम्प्ट की गई और ये ख़बर जब सोशल मीडिया पर आई तो यकीनी तौर पर इस पर बेचैनी फैलना ज़रूरी थी और ये एक कोई हैरान कन अमल नहीं है क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती रही हैं ये शा अली टाइप करैक्टर जो है ये नवाज शरीफ साहब के रहाइश के बाहर हर रोज़ किसी न किसी तरीके से मंडली लगाते हैं और उनको हरास करने की कोशिश करते हैं खैर अब तो वो शायान अली और उनकी जो टीम है उसको बरतानवी पुलिस ने उठा लिया है और कई दिन से इस तरह का कोई वाकया सामने नहीं आया लेकिन ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं इनको आप अलग नहीं कर सकते और फिर दूसरी चीज़ सामने ही नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर धड़ाधड़ अब बरतानिया के अंदर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही थी तीन गाड़ियों के ऊपर तो रिपोर्ट चली गई और पता चला कि जनाब चौथी गाड़ी भी नवाज शरीफ साहब के नाम अब बोगस तरीके से रजिस्टर की गई है लिहाजा वो बरतानवी ये सिक्योरिटी सिस्टम उसके ऊपर भी शदीद तरीन एतराज थे फिर जब तहकीक की गई तो पता चला कि नवाज शरीफ साहब किसी जगह से गुजरे थे और वहाँ पर एक जिसे हम कह सकते हैं एक लोकल ग्रो की तरफ से एक लोकल तंजीम की तरफ से एक मुजाह किया जा रहा था और जैसे ही नवाज शरीफ साहब की गाड़ी उस जगह से क्रॉस होती है तो उनके गाड़ी के शीशे के ऊपर कोई चीज़ थ्रो की जाती है बाद में पता चला कि जनाब क्योंकि इसी से वो जो तस्वीरें तो उस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही थी तो ऐसा लगता था कि जैसे नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल ऊपर कोई चीज़ शीशे के ऊपर आकर लगी हुई है और एक ऐसा तासर मिल रहा था जैसे कोई चीज़ जो है उसने जाकर अटैक किया तो बाद में पता चला कि किसी ने वहाँ से गुज़रते हुए जब नवाज शरीफ साहब की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी तो उनकी गाड़ी के ऊपर कॉफ़ी का मग दे मारा था और उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर वो जो कॉफ़ी थी वो फैली हुई थी अलबत्त उसने यहाँ पर एक अनरेस्ट की सिचुएशन को डेवलप कर दिया अब जब ये सारी कहानी खुल गई तो फिर इस कहानी के बाद जो परेशानी है वो बनती थी और वो परेशानी हमारे सामने नमूदार होती है इस वजह से कि जनाब इमरान ख़ान साहब की तरफ से अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक ट्वीट सामने आता है जिस के अंदर इमरान ख़ान साहब इस बात का इजहार करते हैं एक जानब के जो अली नवाज़ अवान साहब हैं उनके घर पर अटैक किया गया और फिर वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये जो राना सनाउल्ला साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसने इस शक को दूर कर दिया है कि पीटीआई की खातान के साथ जेलों में जो ज़्यादती है या बदसलूकी है वो नहीं हो रही इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उसमें राना नाल्ला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप को शामिल किया गया और वो ये कहते हैं अगर कोई शक था कि जेलों में ख़वा के साथ किसी सतह पर बदसलूकी की जा रही है तो इस सनद याफ्तर सर्टिफाइड मुजरिम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे शकूक शुबहत दूर हो चुके हैं ये शख्स यकीनी तौर पर इन खौफनाक कहानियों को छुपाने और कबल अज वक्त इनका पर्दा चाक करने के लिए ये जो आ, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये वो कर रहे हैं इफत माब और नहायत वाजबुल अहतराम खवातान को आज से पहले रियासत ने कभी इस तर्ज की बदसलूकी और हिरासगी का निशाना नहीं बनाया जैसे पुरम एहत के अपने बुनियादी हक़ को इस्तेमाल करने की पदाश में इस फसाई हकूमत की जानब से बनाया जा रहा है यानी इमरान खान साहब अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो उनकी पार्टी ने किया हालांकि उनकी पार्टी के लोग मीडिया पर आकर धड़ाधड़ इस बात के ऐलान कर रहे हैं लेना लगी हैं पहियाँ जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे को कहता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ को कहता मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो को कहता पहले मैं दूसरा कहता है पहले मैं वो पाँच दे रहा मैं सात दूंगा अगला कहता है मैं दस दूंगा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो मेरी जान छुड़ा दो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है लेकिन इमरान खान साहब का कांत चिट्टा है वो कहते हैं नहीं जनाब ये जो सिचुएशन है ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल वैसे ही है किसी को कोई शक था वो शक हमने अब दूर करा दिया है और ये जो हुकूमत है यही इस वक्त बुराई की जा रहा है पुरमन पुराना यकीनी तौर पर हक है लेकिन पुरमन एहतजाज की आड़ में किसी के घर में घुस जाना और घर में घुस कर वहाँ पर वो अह ख़ाना को हिरासा करना उनको डराना धमकाना फिर उसके घर को आग लगा देना यकीनी तौर पर कोई ऐसा इकदाम नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये उस रास्ते के ऊपर दीगर दीग भी बिल्डिंग्स मौजूद थी इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी दोस्त हैं मलिक रियाज साहब जिनको इमरान खान साहब ने बरतानिया से आए हुए 190 मिलियन पाउंड्स का रिलीफ दिया था उनकी आ, उनका जो शॉपिंग मॉल है दी माल ऑफ लाहौर वो कौर कमांडर के घर के सड़क के इस तरफ कौर कमांडर का घर है सड़क के इस तरफ जो है वो मॉल ऑफ लाहौर है मलिक रियाज की प्रॉपर्टी लेकिन मजाल है कोई बंदा मलिक रियाज की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हुआ हो कोई एक शीशा तोड़ा हो लेकिन कोर कमांडर ने कर दी उन्होंने दे माँ बहन ने कर दी तो इसका मतलब ये है कि तमाम चीज़ें एक प्लैंड पे थी लेकिन इमरान खान साहब अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है पता नहीं उनको कौन से सबूत चाहिए अलबत जिन इन जो चीज़ें इन आ, का इनक आधी रात को राना ना साहब को करना पड़ा रात को तकरीबन बारह बजकर पैंतीस मिनट पर उनको ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी तो इसका मतलब ये है कि उन मामलों के अंदर किसी तरह की कुछ ऐसी सेंसिटिविटी थी जिसको मद्देनज़र नज़र रखना पड़ा राना नाल्ला साहब को और उनको मंजर आम पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी जिसके नतीजे में ये जो मनसूबा बनाया गया था उस मनसूबे से पी टी आई को शायद पीछे हटना पड़े और यही पीछे हटना उनके लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और शायद उनके लिए अब अपने इस मंसूबे को रोकना कुछ ज़्यादा आसान नहीं होगा अपनी राय को इजहार का बहुत अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा आपको बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़